लॉकडाउन में स्कूली बच्चों के पढ़ाई का नुकसान और उनका कोर्स पीछे ना हो, इसको लेकर शासन ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए स्कूलों को आदेश दिया था, जिसके बाद से तमाम स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था अपने शिक्षकों के माध्यम से शुरू कर दी। लेकिन अब इस व्यवस्था को कुछ लोग चौपट करने पर तुले। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां ऑनलाइन क्लास के समय छात्र शिक्षिकाओं से अभद्र व्यवहार और कमेंट कर रहे हैं। वहीं उनके अभिभावक भी देर रात शिक्षिकाओं को फोन कर परेशान कर रहे हैं। अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक लखनऊ के शहीद पथ स्थित एक बड़े नामचीन स्कूल के 11वीं के छात्र ने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ग्रुप पर अश्लील वीडियो पोस्ट कर अभद्र कमेंट किए। शिक्षिका के विरोध पर छात्र ने अभद्रता की। वहीं राजधानी के एक बड़े संस्थान के छात्र के अभिभावक ने रात करीब 11 बजे के आसपास शिक्षिका के मोबाइल पर फोन करके कहा, मैडम आज आप बहुत अच्छी लग रही थी, आपने जो कपड़े पहन रखे थे वो बहुत अच्छे थे। एक अन्य बड़े नामचीन विद्यालय के छात्र ने शिक्षिका से अभद्रता कर गाली गलौज की। लखनऊ अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के अनुसार छात्रों और उनके अभिभावकों की शिक्षिकाओं से अभद्रता का विषय बहुत चिंताजनक है। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपलों की शिकायत पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखा गया। शासन और सरकार से ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में गाइडलाइन जारी करने और छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर सख्त नियम बनाने का अनुरोध किया है।